मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के बलुआ गांव में पैकिंग फैक्ट्री के मजदूर से शुक्रवार की रात अपराधियों ने लूटपाट की। मोबाइल लूट के विरोध पर उसे दो गोली मार दी, एक गोली बाएं पैर और एक गोली गाल पर लगी। दहशत फैलाने के लिए दो से तीन राउंड फायर कर फरार हो गया। घायल चंदन कुमार को मुरौल CHC में साथियों ने ग्रामीणों की मदद से भर्ती कराया, वहां से बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया है। घायल मजदूर मोतिहारी के राजेपुर थाना के साबजिया गांव का रहने वाला है। सकरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पुलिस ने चार खोखा व एक मोबाइल बरामद किया है। आशंका है कि मोबाइल उन अपराधियों में से किसी एक का है। फैक्ट्री के मुंशी विकास कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के सभी मजदूर खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोने गए थे। अचानक आधा दर्जन अपराधी घेरकर सभी से मोबाइल छीनने लगे, तब चंदन ने इसका विरोध किया। बीते 2 दिसंबर को अपराधियों ने फैक्ट्री मालिक मनोज कुमार को फोन कर 2 दिनों के भीतर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, तथा नहीं देने पर मनोज कुमार व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने SSP जयंत कांत एवं सिवाईपट्टी थाना में रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने की FIR दर्ज कराई थी। रात में घटना हुई है, इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, कैसे घटना हुआ है? हम तो घर पर थे, ये लोग फ़ोन हमको किए 10 बजे रात में। वैसे से 5-6 लोग के साथ आए हुए, सबके हाथ में पिस्टल है, जैसे हम लोग के साथ मारपीट किए हैं, सबका मोबाइल छीन लिए। उसमें एक इसका चंदन नाम का एक लड़का है, उससे वो पकड़ा पकड़ी करने लगा, उसका मोबाइल छीना तो वो पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद उससे गोली चला दिया उस पर। अच्छा, तो वो गोली जो चला है चंदन को लगा है? चंदन को, एक जांग में लगा है और एक जबरा में। क्या कितना राउंड फायरिंग हुआ था? चार राउंड फायर हुआ, जिसमें एक चेहरे पे लगा है, दांत के पास एक, हाँ, और दूसरा जबरा में, दूसरा जांग में। वो क्या स्थिति है उसका? स्थिति नाजुक है उसकी। नाजुक है तो ये मजदूरी करते थे? हाँ, यहाँ मजदूरी। कितने दिनों से मजदूरी कर रहे थे? साल भर से। ये जो मिल है, मिल मालिक का क्या नाम है? मनोज कुमार साह। वो कहाँ के रहने वाले हैं? टेंगरारी, मीनापुर टेंगरारी का है। तो इस ऐसी घटना के बारे में उनकी सूचना मिली? हाँ, उनको रात में। तो अब तक ये यहाँ पहुँचे कि नहीं? अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। वो पूर्व में भी इनके साथ फिरौती मांगा गया 25 लाख का। ओ, फिरौती मांगा गया था, जिसका कि मान लिया वो अपने लोकल जो थाना है मीनापुर में, वो FIR किए हैं। FIR मतलब दौड़ते रह गए, लेकिन FIR उनको लिया नहीं गया। उसके बाद वो SP साहब के यहाँ, IG के यहाँ। यहाँ पे कितने लोग थे? 6-7 मजदूर। तो वो जो चंदन कुमार कहाँ के रहने वाला है? साबजिया का रहने वाला है, मोतिहारी जिला का। मोतिहारी जिला का। वो कारीगर ही था या मिस्त्री था? कारीगर था। तो घटना स्थल पर इसकी सूचना सकरा थाना को दिए थे? हाँ। सकरा थाना का कौन कौन टीम आए थे? 112 आए थे। 112 का। कितने देर में पहुंचे थे सूचना मिलने पर? आधा पौन घंटा। तो उनके साथ कुछ अपराधी का कोई सामान भी बरामद हुआ? हाँ, मोबाइल बरामद हुआ है, एक जूता, हाँ, 2 आदमी का चप्पल, गमछा। इतने लोगों का है, कितने संख्या में थे वो लोग? 6। गाड़ी क्या थी उनकी? 3 बाइक। 3 बाइक से था? क्या अपाची था या नॉर्मल गाड़ी? तो हम लोग कोई नहीं देखा, थोड़ा दूर में लगाए हुए था। दूर में लगाया हुआ था। अच्छा, ये लोग खदरा है अंत में। अच्छा, सकरा थाना जो 112 की टीम, अच्छी कार्रवाई की है क्या? हाँ। चलिए, और ये सकरा थाना प्रभारी सरोज कुमार आए थे, क्या मिला आश्वासन उनसे? बोले तुरंत कार्रवाई होगी। अभी तक कोई उसका अभी तक नहीं कार्रवाई की गई। चलिए, थोड़ा समय चाहते तो उसी समय हम इसे पता किए, तो नंबर बंद कर दिया है। उस समय चालू था नंबर, जो छूटा है। अच्छा, पूर्व में। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो लगभग कितने बजे कांड हुआ? 9:30 में। 9:30 बजे। और आपका सारा मजदूर यहीं रहते हैं? अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम, तो बनाइए अपने पार्टी व अन्य आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ।
शादी बर्थडे एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर फूड कोर्ट ग्रैंड मॉल मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।